शुभ प्रभात बच्चों, जैसे कि हमें ज्ञात है कि कोरोना महामारी चल रही है, इसी कारण हम एसेंट ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा घर में रहकर ही अध्ययन करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। आज का प्रकरण है वर्ण विचार। वर्णः, वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुतमो ध्वनि येन सह वर्णः। ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। संस्कृत वर्णमाला, वर्णानाम समूह एवं वर्णमाला भवति। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 मूल सूत्रों में बांटा है, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। विद्वानों का यह मत है कि ये माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू वादन से उत्पन्न हुए हैं, इसी कारण इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र अ ई ऊण रिक ए ऊण ए उच हयवरट लण न्यमण नम जबण गढ़ दस जब गढ़ दस कफ चट तत्व कपय ससर हल। इन सूत्रों के द्वारा वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इन सूत्र से प्रत्याहार बने हैं, जैसे अ ई ऊण अ ई ऊ रिक से री और रे। इन सूत्रों को प्रत्याहार बनाने पर अ ई ऊण का अवर्ण और ऋरिक का क वर्ण से अक प्रत्याहार बनता है। अ ई ऊण का अवर्ण और ऋरिक का क, इनसे प्रत्याहार बनता है अक। वर्णों को संक्षेप करने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। किसी प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गणना करते समय अंतिम हलंत की गणना नहीं की जाती है। जैसे कि अ ई ऊण में अ ई ऊ इनकी गणना की गई है और न हलंत की गणना नहीं की गई है। ऋरिक में ऋ और ऋ की गणना की गई है, ण क की गणना नहीं की गई है। महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र की सहायता से 42 प्रत्याहार बनाए हैं, अक अच अर अल आदि। वर्ण भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण जिसे अच वर्ण भी कहते हैं, व्यंजन वर्ण जिसे हल वर्ण भी कहते हैं। स्वर वर्ण स्वयं राजते इति स्वरहा, जो वर्ण स्वयं उच्चारित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वर बिना रुकावट के अपने आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 यानी त्रयोदश है। स्वरों के भेद, किसी भी ध्वनि के उच्चारण में लगे समय को मात्रा समय कहते हैं। मात्रा समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऋष्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ऋष्व स्वर कहते हैं, जैसे अ ई ऊ रि रि, ये 5 ऋष्व स्वर है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋष्व स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई ऊ रि ए ऐ ओ औ, ये 8 दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋष्व से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के अंत में 3 का अंक लगा दिया जाता है, जैसे ओम, इनको बोलने में अधिक समय लगता है।